नमस्कार, मैं खुशी रावत हूं और आप देख रहे हैं द बिग फेसेस। तो आज द बिग फेसेस में हम बात करेंगे अयोध्या में सेना की फायरिंग रेंज के लिए रिजर्व जमीन को प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाने और इससे जुड़े विवादों को लेकर। जनवरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से अयोध्या के रियल स्टेट कारोबार को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। अब ये जानकारी सामने आई है कि अयोध्या में जिस गांव को पहले आर्मी की फील्ड फायरिंग रेंज के लिए बफर जोन के रूप में नोटिफाइड किया गया था, उसे अब अडानी समूह, श्री श्री रविशंकर और पतंजलि से जुड़े लोगों द्वारा खरीदे जाने पर राज्य सरकार ने डीनोटिफाइड कर दिया। इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो सकता है। प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार यह जमीन राज्य सरकार द्वारा साल 2020 में ही अयोध्या में स्थित डोगरा रेजिमेंट के लिए फील्ड फायरिंग और तोपखाना अभ्यास के लिए आरक्षित की गई, जिस कारण यहां किसी भी तरह का निर्माण और कमर्शियल एक्टिविटी संभव नहीं है। लेकिन इसी साल लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान ही 30 मई को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कार्यालय की ओर से इस जमीन को डीनोटिफाइड कर दिया गया। इस तरह ये जमीन अब सभी तरह के निर्माण कार्यों के लिए खुल गई है। द प्रिंट में बातचीत में अयोध्या के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने जमतारा में कुल 2211 एकड़ भूमि को डी नोटिफाई किए जाने की पुष्टि की। इससे पहले अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण को लेकर अयोध्या के वकील प्रवीण कुमार दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। बीते साल नवंबर में ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अयोध्या विकास प्राधिकरण को भूमि स्वामित्व सत्यापन के बिना यहां किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूर नहीं करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई भूमि पर कानून का उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण यहां नक्शा पास करने पर रोक लगा चुका है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया है कि कानूनी टीम से सलाह लेने के बाद ही इस जमीन को डीनोटिफाइड किया गया। अधिकारियों के मुताबिक वैसे भी इस जमीन का सेना ने कभी फायरिंग रेंज के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इस कारण सरकार अब पूरी फायरिंग रेंज को ही डीनोटिफाइड करने पर विचार कर रही है। यूपी सरकार के अधिकारियों के मुताबिक सरकार अब इस गांव में भव्य मंदिर संग्रहालय बनाने की भी योजना तैयार कर रही है। इस तरह डीनोटिफाइड करने के फैसले का प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा खरीदी गई जमीन से कोई लेना देना नहीं है। द प्रिंट ने सेना के सूत्रों के जरिए कहा है कि क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में हवाई यातायात काफी बढ़ गया है, इस कारण अब यहां सेना की फायरिंग ट्रेनिंग काफी कम हो गई। इधर द प्रिंट से बातचीत में अडानी ग्रुप, आर्ट ऑफ लिविंग और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने सभी आरोपों को नकार दिया। बिग फेसेस में फिर किसी नए चेहरे की बात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए। यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और तमाम नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।